Sangram. नमस्कार प्रणाम गोर लगातानी हिंदुस्तान और एक बार फिर से रहुआ सबके स्वागत करतानी डांस के अनोखे संग्राम में जोना के नाम है डांस संग्राम। आज के गीत के देख के रहुआ लोग समझ गए लोग आज शनिवार के रात है और आज के थीम समझ में आ गई लोई। जी हाँ, आज के थीम ये बाटे हमनी के हिंदुस्तान के सबसे बड़ डांस डायरेक्टर हमरा बड़की माई के गीतन पे आज ए योद्धा लोग के नाचे के बाद। आप लोग मेरे गानों पे डांस कर रहे हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे कॉपी करो। अपना क्या बनता है मूवमेंट उस पे, आप कितने खूबसूरत मूवमेंट दे सकते हैं मेरे से ज़्यादा, वो प्रूफ करके बताओ। इनको तमन्ना है कोरियोग्राफर बनने की अविनाश, तो ये जगह है प्रूफ करने की कि तुम्हारे पास भी भेजा है सिर्फ मेरे पास नहीं। आई पहले हम बड़की माई के आसन पे बैठा दी। आज दू गो योद्धा हो जाइए सुरक्षित योद्धा और बाकी बचल तीन योद्धा फंस जाइए भंवर जाल में, जेके शुक्रवार के अपन दावेदारी फिर से साबित करे के पड़ी। लेकिन वह दिन जेकर परफॉर्मेंस रही सबसे मजेदार ओकरे के दिहल जे तरफ से मजेदार परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब। ओ गीतन पे आज योद्धा लोग अपन जलवा देखे हैं जो ना गीतन के खुद बड़की माई फिल्मन में अपना निर्देशन से सजोले बाड़ी। आई अब पूछल जाओ जोशीले टीम से सबसे पहले संभावना जी कौना योद्धा के भेज रहा बाड़ी। सबसे पहले मैं दिनेश भेजना चाहूंगी इलाहाबाद के पंजाब दे पुत्र आत्मजीत को। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, तुझ तेरी दिल लगी दिल को जला नखरे दिखाने लगी। छोड़ो जी छोड़ो सनम, जिद अपनी छोड़ो सनम, नाजुक है दिल ये मेरा, दिल को ना तोड़ो सनम, दिल को ना तोड़ो सनम। ये लंबी लंबी रातें आकर ले मुलाकातें, जाने क्यों दिल ये मेरा तेरा ही होना चाहे। गुस्से में लाल ना कर ये गोरे गोरे गाल, ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल। हंगामा देख के क्या लगा था तोरा के? हंगामा देख के लग रहा है अच्छा ही हुआ होगा। आतम जी जब भी स्टेज पर आके डांस करता है
इस तरह का माहौल तो बन ही जाता है, बिकॉज वेन एवर ही कम्स ऑन द स्टेज इतनी एनर्जी होती है उसमें और इतना धुनकी में नाचता है कि सारे के सारे जो लोग होते हैं वो उसकी धुनकी में रम जाते हैं। और अब चले के हमनी आपके कप्तान के लगे, संभावना जी के लगे। संभावना जी, आज आपके हंसी रुके के नाम नहीं खेल लेत, जैसन कि पिछला एपिसोड में भी आप जब हंसत रहनी तो हंसत हंसत गिर जात रहनी। ई आत्म जात पता नहीं क्या होता है कि आत्मजीत स्टेज पे आता है और कुछ ना कुछ तो होता ही है। ये क्या एक्चुअली आत्मजीत भी सोच रहा होगा कि मैंने ऐसा किया क्या, ही क्या हो रहा है। मतलब परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली इसकी अच्छी है, उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट देना चाहूँगी नहीं। ही इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर। और बाकी तो आज जो नंबर्स हैं वो सरोज मास्टर जी के हैं और उन्हीं से पूछना चाहिए। हम लोग तो जो अपनी बातें हम लोग कहेंगे ही, मुझे तो ऑब्वियसली मेरी टीम का आत्मजीत है, ही इज़ परफॉर्म ब्रिलियंट। तो मेरे ख्याल से मास्टर जी से आपको पूछना चाहिए कि ये उनका कोरियोग्राफ सॉन्ग है, उनको कैसा लगा है? मुझे अच्छा लगा इसलिए कि इसके साथ पार्टनर ना होते हुए भी इन्होंने अच्छा किया, क्योंकि एक्चुअली इसमें पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। ये गाना ही ऐसा है क्योंकि वो लड़की को बोलता है, और मुझे नहीं लगा कि इन्होंने कोई मेरे मूवमेंट्स कॉपी किए सिवाय एक मूवमेंट के, वो ये, वो इसलिए कि वो थीम मूवमेंट था। इन्होंने मूड बहुत अच्छा क्रिएट किया। थैंक यू, सो गुड लक। थैंक यू। चलो तब देखा जाओ कि कितना नंबर मिलल हतो के श्वेता जी से। आई गिव आत्मजीत 38। थैंक यू मैम। 38 नंबर आत्मजीत बाबू के मिल गए श्वेता जी के ओर से 38 नंबर। अब बड़की माई के नंबर हमनी के आखिरी में बतावल जाई, और अब हम चाहब आत्मजीत बाबू अपन स्थान ग्रहण करा। जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार, उहे बनी ये भोजपुरिया डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का सुपरस्टार, और ओकरे के दिहल जाई शानदार ट्रॉफी के साथ 11 लाख रुपया के इनाम और एसएसआई की तरफ से शानदार बाइक। कहल जाला कि प्यासा कुएं के पास जाला, कुआं प्यासा के पास ना जाला। हमनी के गांव जवार देहात से निकल के आई ली धुरंधर लोग, बड़की माई के गाना पर एकरे पहले भी बहुत बार परफॉर्म कैले हुई लोग, लेकिन आज ये लोग के मौका मिलल बाटे ओ गाना के बड़की माई के सामने करे के। त आज हमनी के बड़की माई के जिंदगी से जुड़ल भी कई गो सवाल पूछल जाई, जानल जाई उनका बारे में भी। रउआ सब कहीं जाई मत, काहे कि उहर सपना जौना में बसेला प्राण, उहर सपना जौन भरेला उड़ान, उहर सपना जौन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम। आज हमनी के मंच पे ओह गीतन के देख रहल बानी जा, ओह गीत के हमार योद्धा लोग जीवंत कर रहल बा लोग, जो ना गीतन के फिल्म दुनिया के सबसे बड़ हस्ती नृत्य निर्देशिका हमार बड़की माई ओह गीतन के सजोले रहली। और इनका बारे में यो कहल जाला कि मात्र 3 साल के उम्र से ही ई बॉलीवुड से जुड़ गई रहली। बड़की माई एकरा बारे में कुछ बताई। मैं 3 बरस की थी जब मुझे मौका मिला पिक्चरों में काम करने का, पहला एक गाना था। बड़की माई हमनी के आपके बारे में और बहुत कुछ जानल चाहता निजा, और हमार दर्शक लोग भी जानल चाहता ओके हमनी के आपसे जानल जाई, और इस संग्राम के भी आगे बढ़ावल जा और चलल जाओ तनी हमनी के श्वेता जी के लगे, और इनका से जानल जाओ कि कौना योद्धा के भेज रहल बाड़ी आज। अब मैं भेजना चाहूँगी झारखंड के दीपू को। झारखंड रांची से दीपू बाबू। अब बिना देरी के लिए हमनी के चल जाओ संभावना जी के लगे। दीपू, इस जो सॉन्ग का जो कंसेप्ट आपने चुना वो बहुत अच्छा था, बहुत यूनिक था, मुझे बहुत डिफरेंट लगा। एटलीस्ट आपने बिल्कुल वही सेम मूवमेंट्स, मैं सोच रही थी जब आप आए तो आप सेम मूवमेंट्स पकड़ेंगे, वो आपने बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्म किया, आपने बिल्कुल ही अलग कुछ शिकार कर रहे हैं आप। डांसिंग मुझे थोड़ा सा कम लगा। बड़की माई आपके कैसन लगल है? पहली बार ये गाना ही नहीं सूट करता इस कॉन्सेप्ट को, गाना कहीं जा रहा है, वो दोनों कुछ कर रहे हैं,
ऐसा लग रहा था जैसा आपस में कोई मेल झोल है ही नहीं. एज फार एज योर वर्क इज कंसर्न बहुत अच्छा है, बेनी का काम भी बहुत अच्छा है, गाना ही ठीक नहीं इसके लिए. अब हमनी के चलल जाओ प्रतिद्वंदी कप्तान के लगे और उनका से जानल जाओ कि कितना नंबर मिलल तोके. दीपू मैं आपको देती हूँ 36 नंबर. थैंक यू मैम. दीपू बाबू के संभावना जी के झोली से मिल गई है 36 नंबर और बड़की माई के नंबर हमनी के आखिरी में जोड़ल जाई और जानल जाई. और अब हम चाहब कि आप अपन स्थान ग्रहण करा. ए मंच के महाविजेता के दिहल जाई बजाज डिस्कवर DTSSI एगो शानदार बाइक जोना में 5 गियर बॉक्स बा और ओकर माइलेज दुनिया में सबसे ज्यादा बा. आज के संग्राम भी बांटल गइल बा 2 चरण में. पहिलका चरण में अकेला अकेला गाना करी है और दूसरका चरण में ए योद्धा लोग के करे के पड़ी बड़की माई के गीतन पर डुएट परफॉर्मेंस. आई अब पूछल जाओ जोशीले टीम से संभावना जी केकरा के भेज रहल बाड़ी. अब मैं भेजना चाहूंगी बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर से मेरे फेवरेट अविनाश. अविनाश दुबे. अरे तुमका का बताई भैया हमरा हाल का है. बताए दे. निकले थे हम हलवा खाने मुंह ही जल गया है. खाई के पान बनारस वाला. खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला. फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल. छोरा गंगा किनारे वाला. छोरा गंगा किनारे वाला. खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला. अरे राम दुहाई कैसे चक्कर न पड़ गया है. हाय मैं कैसा सीता दादा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया. पढ़ लिखो से पाला मीठी छुरी से हुआ हला. छोरा गंगा किनारे वाला. छोरा गंगा किनारे वाला. खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला. फिर तो ऐसा कर धमाल सीधी कर दे सबकी चाल. छोरा गंगा किनारे वाला. छोरा गंगा किनारे वाला. भैया ठीक बानी. ठीक बा. बड़ा पान उन खाए हुआ. आज सोचली तनी गाँव ओकर रंग जमा दी. बनारस वाला पान के ही जोन रंग रल है आपके कैसन लगल है. अविनाश का परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लग रहा था कि इसने बनारस का पान खा लिया है जिसमें एक दो गोली भंग की भी डाल दी गई है. पूरा नशा दिख रहा था और बहुत मस्ती में आपने डांस किया और आपके इस डांस में कहीं ऐसा नहीं लग रहा था ये कॉम्पिटिशन है और आपको टिपिकल स्टेप्स करने हैं और टिपिकल बीट्स पे डांस करने हैं. बहुत ज़्यादा मूड में लगा. बहुत ज़्यादा लगा कि भैया बनारसी पान का नशा चढ़ गया है. सो इट लुक्ड वेरी नाइस. नाइस बड़की माई ई जोन नईकी डॉन बनल है एहमे ए गाना के आप कहनी एकरा पीछे कोनो खास कारण रहे. हाँ जब ये अमिताभ की पिक्चर रिलीज हुई थी तब मैं नौकरी करती थी दुबई में 79. तो ये पिक्चर देखने मैं सिर्फ गई थी इस गाने के लिए. ये गाना ख़त्म हुआ मैं उठ के चली गई. फिर नेक्स्ट शो में मैं फिर गई. फिर ये गाना ख़त्म हुआ और चली गई. जब तीसरी बार टिकट लेने गई तो मैनेजर ने कहा आपको सिर्फ गाना देखना है ना.
काय को 9 दराम खर्चा करते, आपको कुर्सी लगा के देते हैं, इतने बजे ये गाना आता है, आके देखे जाओ। जितने दिन वो पिक्चर चली उतने दिन मैं तीनों शो में जाके वो गाना देखती थी। और जब वापस आई तो ये किस्सा जब मैं कर रही थी तो मैं फरहान अख्तर को सुनाई थी, तो जब ये गाना आया तो उन्होंने मुझे कहला के भेजा, देख ऊपर वाले ने तेरी तमन्ना पूरी कर दी, चल अब तू करके बताइए गाना। That's how I got this song. और ये बड़की माई निर्देशित कैली ये गाना के, और वही गाना के आज ए मंच पे लेके उतरल हूँ हमनी के गोरखपुर के धुरंधर अविनाश बाबू। बड़की माई कैसन लागल आपके? मुझे बहुत क्यूट लगा। थैंक यू मैम। अविनाश मूड एकदम करेक्ट फॉलो किया। थैंक यू मैम। वेरी वेरी गुड। अब लगत है तोके कि पान खा के तू बढ़िया केला। हाँ। आवा तब देखल जाओ कि नंबर कितना मिलल है तोके श्वेता जी से। 39। 39 नंबर एकदम सही जात हुआ, और ऐसे ही पान खात रहा और ऐसे ही चपले रहा, और हम चाहब के अपन स्थान ग्रहण करा। आज योद्धा लोग थिरकत हुए बड़की माई के सजावल गीतन पे, लेकिन नंबर भी जोड़ल जा रहल बा काहे कि जे पड़ जाई कमजोरों के मन छोड़ के जाए के पड़ी, लेकिन बात पुरान चेहरा लोग तो जे यहाँ से गईल बा वो लोग के पता बा जानत आ रहे, लेकिन जो नया योद्धा लोग आ रहल बाने बड़की माई आप वो लोग के का कहल चाहब? ना करें ई बाटे बड़की माई के संदेश, वो नया चेहरा लोग के जौन वाइल्ड कार्ड से एह मंच से जुड़े जा रहल बाने, ताई ए थीम के आगे बढ़ावल जाओ और जोशीले टीम में चलल जाओ। संभावना जी केकरा के भेज रहल बाड़ी? अब मैं भेजना चाहूंगी झारखंड रांची की मेरी प्यारी कोमल। गाना जो तू कैलू है ये गाना खातिर के बड़की माई के फिल्म फेयर अवार्ड मिलल रहे, और अपना दर्शक लोग के बता दें कि रउओ लोग सोचत हो कब कि हमनी के बड़की माई बड़की माई बड़की माई करत रहल जाला, ता ऐसे ही ना करत रहल जाला भैया लोग, बड़की माई के 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुकल बाटे, और एक बार तो ही जोन गाना कोमल कैली है यह पर फिल्म फेयर अवार्ड मिलल रहे, बल्कि माई के कुल 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुकल बा।
और अब कोमल हमनी के चलल जाई अपना श्वेता जी के लगे और उनका से जानल जाए कि कैसन लागल है। आज तुम भी कम मेस्मराइज नहीं लग रही हो, तुम यू लुकिंग वेरी सेक्सी एंड वेरी प्रिटी, वेरी नाइस यू लुकिंग इन ब्लू ड्रेस। अच्छा, उसके अलावा मैं जो कहना चाहूँगी वो कहना चाहूँगी, यस कोमल, सेम कंप्लेन कि जब भी तुम इंडियन करती हो ना, तुम अपने स्टेप्स जितनी तुम सेक्सी लगती हो वो वेस्टर्न मूव्स करते वक्त, उतनी ही ना तुम यहाँ पे बीट छोड़कर करती हो। पता नहीं क्यों वो आप मूवमेंट्स कंप्लीट नहीं करते, मेरे क्यों समझ में नहीं आता कि क्या क्या गड़बड़ हो जाती है कि आप बीट्स वो मूवमेंट्स कंप्लीट नहीं करते। रेस्ट अगर मूवमेंट्स कंप्लीट की होती ना तो जो लुक था, जो जो पूरा जो प्रेजेंटेशन था ना इस एक्ट का, इतना ब्यूटीफुल और इतना ग्रैंड लगता। लेकिन वो बस वहीं पर मेरी हमेशा से वही कंप्लेन है तुम्हारे साथ। यही तो मेरा स्टाइल है। अरे काय का स्टाइल कि तुम बीट छोड़कर करो। अगर बेटा ये तुम्हारा स्टाइल है तो तुम्हें अपना स्टाइल बदलना पड़ेगा, क्योंकि शायद ये स्टाइल काफ़ी दिन तक ना चले। सो यू विल हैव टू चेंज योर स्टाइल एंड गेट टू द राइट स्टाइल, जहाँ पे बीट पकड़कर और पूरा स्टेप्स करते हैं। हमको तो हमारी कोमलिया बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सेक्सी लगी, और उसके आगे हम बहुत ही कटीली सी नचनिया लग रही थी हमें। हम बाकी तो मास्टर जी बताएंगी। कमाल के भोजपुरी बोल लू है लेकिन। धन्यवाद रहुआ। हाँ। हमसे शादी करल बानी। अब वो ना बोलू तो कब बोल दो। तोरा ये भोजपुरी बोलला के अंदाज पे सब लोग एकदम पागल हो गए। लोई तो पागल होते तो आते काहे नहीं है शादी करने। शादी कब करेंगे हम? आप कर लो ना, रहुआ कर ले। उसे शादी करे खातिर के पागल हो जी हैं लोग। तू काहे नहीं हुआ? हम तोरा से शादी बनाए खातिर पागल हो जाए, तू काहे नहीं हुआ? तो चलो, मास्टर जी से आशीर्वाद भी लिया फिर भी अभी तक काबू में नहीं आया। उठा के ले जाएंगे, उठवा ही लेंगे तुम्हें। आने दो वाइल्ड कार्ड वालों को। आई अब हमनी के चलल जाओ बड़की माई के लगे और बड़की माई से जानल जाओ। बड़की माई आपके कैसन लागल है कोमल के ही निबुड़ा निबुड़ा के अंदाज? काहे छुपत आ रुआ? अच्छा की कोशिश अच्छी थी, वही तुम्हारी आदत जो है चार बीट के बजाय तीन बीट नाचना, उसमें ही नुकसान होता है तुम्हारा। रिहर्सल करने से पहले 10 बार म्यूजिक सिर्फ सुनो। जी अम्मा। गुड। अब कोमल अब हमनी के जानल जाओ श्वेता जी से कितना नंबर दे लिया? 35। थैंक यू मैम। और तू तो ब्याह करे के चक्कर में पगलाई लहू, तो कहाँ से नंबर मिली? सिखावा लेकिन के। अरे नंबर सुन के तो और पगलाई गई, का करे कोमलिया, नेक्स्ट परफॉर्मेंस अच्छा करीला। हाँ मैम। हमनी के बुलावल जी अपना अगला योद्धा के, और अब हम चाहब कोमल की तू अपन स्थान ग्रहण करा। सबसे पहले ही बता दें कि 1993 में खलनायक फिल्म के गाना खातिर के भी बड़की माई के फिल्म फेयर अवार्ड मिलल रहे। और चला अब हमनी के चलल जाओ संभावना जी के लगे। संभावना जी कैसन लागल है आज गौरी चैत्री जी के रंग? आज मैं गौरी को भी बताना चाहती हूँ कि इसने मेरा फेवरेट सॉन्ग सिलेक्ट किया है, मतलब मैं पागल हो जाती हूँ इस गाने को सुनती हूँ तो इतना अच्छा लगता है। बिकॉज जो हमने माधुरी जी को इस सॉन्ग में परफॉर्म करते हुए देखा है वो मैं किसी और को देख ही नहीं सकती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता किसी और को परफॉर्म करते देख के। गौरी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एक आध चीज़ बता दूँ आपको, इस गाने में दो आवाज़ हैं, एक स्ट्रॉन्ग है और एक सॉफ्ट है। आपने दोनों आवाज़ें पकड़ी हैं लेकिन आपके एक्सप्रेशन उतने ही स्ट्रॉन्ग रहे हैं। वो मुझे एक कमी ज़रूर लगी, आपके डांस में मुझे कोई कमी नहीं लगी। वो एक्सप्रेशन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चेंज ओवर करती, क्योंकि इतना भी नहीं था कि बहुत जल्दी जल्दी आपको बहुत स्ट्रांग आवाज़ आ गई फिर सॉफ्ट आ गई फिर स्ट्रांग आ गई।
टाइम था तो आप चेंज कर सकती थी अपने एक्सप्रेशंस, बट आपने वो सेम रखे. सो ओनली दैट इज द पॉइंट, दैट्स इट. मुझे बहुत पसंद आया आपका काम. थैंक यू. जैसा कि संभावना ने कहा कि दो आवाज है, जब ऐसी मुसीबत आती है ना कि दो आवाज है और एक है आप और आपको परफॉर्म करना है, तो उसकी दो जगहें बनाई जाती है. मतलब जब आप इस तरफ से गाएंगी तो माधुरी बन के गाएंगी, जब उस तरफ जाएंगी तो इला अरुण बन के गाएंगी. तब हमको मालूम पड़ता है कि आपकी दो आवाज़ें हैं. अब आप माधुरी की जगह पे वहीं से निकलती हैं, इला भी वहीं से बोल रही, ग्रुप के भी मूमेंट्स वहीं से कर रहे, तो वी गेट कन्फ्यूज्ड. तो इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, है ना. इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट लेसन. थैंक यू. अब हमनी के बारी बाटे नंबर जाने के. आवा चला जाओ संभावना जी के लगे. संभावना जी, कितना नंबर देनी है रुआ गौरी चैत्री जी के? मैं गौरी को 38 देना चाहूंगी. 38 नंबर गौरी चैत्री जी के मिलल है संभावना जी के झोली से 38 नंबर. और अब हमनी के बुलावल जी अपना अगला धुरंधर के, और हम चाहब कि गौरी जी अपन स्थान ग्रहण करी. गौरी चैत्री के परफॉर्मेंस के बाद पहल का चरण खत्म हो गई, और अब बारी आ गई बा दूसरका चरण के, यानी डुएट राउंड के. अकेले नाचल तो आसान है, लेकिन जोड़ी बना के नाचल उतने मुश्किल है. जैसन कि हमनी के पहले भी देख चुकल मानी जा, तो आई सबे देखल जाओ कि वो कौन जोड़ी बा जो आज बन जाई परफेक्ट पार्टनर. वह सब कहीं जाई मत, कहे कि वो हर सपना जौना में बसेला प्राण, वो हर सपना जौन भरेला उड़ान, वो हर सपना जौन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल कहीं और ना है तान संग्राम. आई सबे दूसरका चरण के शुरुआत कइल जाओ, और बुलावल जाओ रांची झारखंड के दू गो योद्धा के, श्वेता जी के जाबाज दीपू बाबू के, और बिस्क फार्म बिस्किट जोशीले टीम से रांची के ही कोमल के. और आज इहो देखे के बा कि का ई दोनों योद्धा बन पई हैं नेस्ले एवरीडे परफेक्ट पार्टनर. बड़की माई रुआ बताई आपके कैसा लगा? एज अ स्टेज परफॉर्मेंस अच्छा था. ओनली थिंग जो लिफ्ट्स थे ना वो अनकंफर्टेबल थे. वो इस वजह से कि हमेशा लड़की की पीठ रही है लड़के की तरफ, ऑल द लिफ्ट्स एवरी टाइम उसको बैक दे के स्विंग करना, किस करना, एवरीथिंग वॉज बैक बैक बैक. तो पॉस्चर्स एकदम आइडेंटिकल लगने लगे, इस वजह से वो जो इंटिमेसी है वो कम हो गई. इसी में अलग अलग किस्म के पॉस्चर्स अगर होते तो इट वुड हैव बीन मोर ब्रिलियंट. और अब बारी बाटे नंबर के, हमनी के चलल जाई संभावना जी के लगे. संभावना जी, कितना नंबर देनी रहुआ? मैं 36 देना चाहूंगी. दीपू बाबू के मिलल है संभावना जी की तरफ से 36 नंबर. और अब कोमल तोहरा नंबर के बारी बा. श्वेता जी, आई गो टू द सेम मार्क, दैट इज 36. 36 नंबर दोनों धुरंधर के मिल गए बराबर नंबर प्रतिद्वंदी कप्तान लोग से. बड़की माई के नंबर हमनी के आखिरी में जोड़ल जाई, और अब हम चाहब कि आप लोग अपन अपन स्थान ग्रहण करी. आज दोनों प्रतिद्वंदी कप्तान और बड़की माई के दिहल दोनों चरण के नंबर के जोड़ के पता चली कि आज कौन दूगो योद्धा हमें जोन हो जाई हैं सुरक्षित योद्धा. ये हमनी के जानल जाई पता चली, लेकिन आखिरी परफॉर्मेंस के बाद ओकरा पहले हमनी के तनी चलल जाओ दूसरका चरण के दूसरका जोड़ी के ओर, और बुलावल जाओ जोशीले टीम से अविनाश बाबू के, और श्वेता जी के टीम से गौरी चैत्री जी के.
धक धक करने लगा। तू लोग के भी बता दें कि 1992 में गाना खातिर के बड़की माई के मिलल रहे फिल्म फेयर अवार्ड। संभावना जी रहुआ बताएं। ब्रिलियंट एक्ट लगा मुझे आप दोनों का, इतनी सुपर केमिस्ट्री थी आप दोनों में। गौरी बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, सुपर, वेरी गुड। और अब चले के हम एक गौरी तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी केमिस्ट्री दीपू से ज्यादा ना अविनाश के साथ अच्छी लगी। वेरी नाइस, इट वाज वेरी वेरी नाइस, आउच, वेरी नाइस इट वाज। बड़की माई ई ऐतिहासिक गाना बाटे जोन हमेशा याद कर जाए और जे जब भी देखी तब एक देख के और सबका दिल धड़कत रही। एक गाना के जब बनल रहे वो समय के अगर कुछ याद होके तो वह बताई। पहली बात तो हमारा प्रोड्यूसर जो था इंदर कुमार, उन्होंने ये गाना काट दिया था, उन्होंने उनको नहीं चाहिए था इस पिक्चर में। ये मैंने और बाबा आजमी जो कैमरामैन है उन्होंने जिद करके ये गाना रखवाया कि नहीं ये गाना कटेगा नहीं। तो बोले फिर माधुरी की डेट्स ला दो, उस टाइम माधुरी बहुत बिजी थी। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया माधुरी से कि ये गाने को मत जाने दो, प्लीज़ हमको चार चार घंटे दे दो, पाँच पाँच घंटे दे दो, लेकिन आओ। एक बना बनाया सेट था किसी और का, बान मतलब क्या बोलते हैं जहाँ बकरी रखते हैं ये वो, ये किसी और का सेट था। उन्होंने ये बुक कर लिया राजकमल में कि इस पे करेंगे। माधुरी आती थी रात को 7 बजे, शाम के 7 बजे, और जाती थी 2 बजे क्योंकि उसकी मॉर्निंग की शिफ्ट थी। टोटल ये गाना हम लोगों ने 10 घंटे में ख़त्म किया। इसमें सबसे बड़ा जोक ये था कि बाबा आजमी बहुत टाइम लगाते हैं लाइटिंग करने के लिए, तो पहले दिन उन्होंने बहुत इधर शैडो इधर ये वो किया। उसके बाद जहाँ उनको बोला कि बाबा जी हमारे पास सिर्फ 8 घंटे हैं ख़त्म करने के लिए, तो उन्होंने पूरी लाइट्स ऑफ करके एक स्पॉटलाइट के जैसा दे दिया। पूरा गाना मुश्किल से एक लाइट में हुआ है, आउटस्टैंडिंग हो गया। इसके लिए हम सब खड़े होकर आपको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लड़कियां अभी डांस डायरेक्टर बनना छोड़ दी हैं, कोशिश करना चाहिए लड़कियों को कोरियोग्राफर बनने की। अम्मा मेरे को लगता है ये डांस संग्राम से ही 3-4 कोरियोग्राफर्स निकलने वाली है लड़कियां। आई अब हमनी के चलल जाओ तनी देखल जाओ कि संभावना जी कितना नंबर देहली है ये गाना पर। मैं आपको 40 से कम नहीं दे सकती। सुपर परफॉर्मेंस, थैंक यू। संभावना जी दे देली है गौरी चैत्री के 40 में 40। और अब बारी बाटे श्वेता जी के, श्वेता जी राउर झोली से कितना नंबर निकलल है। मैं नंबर की जगह इन दोनों को राप्चिक किस देना चाहती हूँ। लिपस्टिक इनके गालों पर साबित करते हैं कि मैंने कितना नंबर देना चाहती हूँ। 40 में 80। थैंक यू मैम। तो मुंह धोईबा कि ना जाके? अब नहाई तो लेकिन मुंह ना धो पाई। मुंह के लागल है, यही सब पूछनी है कि अभी तू जोन लिपस्टिक के, तुम भी जरा मुंह धो के आ जाओ। गौरी ज्यादा करीब आ गए थे ना परफॉर्मेंस में, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों धुरंधर के मिल गए है 40 में 40। और अब हमनी के बुलावल जी अपना अगला योद्धा के, और अब हम चाहब के आप लोग अपन अपन स्थान ग्रहण करें। अब बचल बाटे मात्र एगो जोड़ी और जोना के बाद फैसला हो जाई कि ये मंच पे कौन जोड़ी बा, कौन वो दूगो धुरंधर हमें जोन हो जाई है रिवाइटल सुरक्षित योद्धा। तो आखिरी योद्धा लोग के बुलावे से पहले हम ये बता दें कि
बड़की माई के जीवन से जुड़ल कुछ और पहलू के हमनी के जानल रउआ सब कहीं जाई मत, काहे कि उ हर सपना जौना में बसेला प्राण, उ हर सपना जौन भरेला उड़ान, उ हर सपना जौन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है तान संग्राम। गांव गली जवार से निकल के आई योद्धा लोगे मंच पे, इस साबित कर रहल बाड़े कि गांव के मिट्टी उ कच्चा मकान कच्ची सड़क रुकावट ना बन सकेले एह लोग के सरताज बने में, डांस के सरताज बने में कोनो रुकावट ना आई। त अब बचल हुए एक मात्र आखिरी जोड़ी, आखिरी योद्धा कह सकल जाला हमनी के संभावना जी के टीम से, आतमजीत बाबू। और चूंकि ई डुएट राउंड है तो बड़की माई हम आपसे निवेदन कर चाहतानी कि इनकरा साथ में इनकर साथ देवे खातिर अब कोनो योद्धा नहीं खे बाचल, अगर आपके अनुमति हो तो हमनी के बेनी जी के बुलावल जाओ इनकर साथ देवे खातिर। यू वेलकम। आखिरी इम्तिहान रहल है आज खातिर के, श्वेता जी कैसन लागल है? 38 नंबर और बड़की माई दहली है 39 नंबर, कुल मिला के 77 नंबर। कोमल तोहरा के मिलल है श्वेता जी की ओर से 35 नंबर और बड़की माई दहले ही 38 नंबर, कुल मिला के 73 नंबर। और अविनाश बाबू आपके श्वेता जी दहले ही 39 नंबर और बड़की माई तोहके दहली है 40 में 40 नंबर। और अब बारी बाटे दूसरका चरण के डुएट राउंड के, और डुएट राउंड में कोमल तोहरा के मिलल है श्वेता जी की ओर से 36 नंबर और बड़की माई भी तोहके दहले ही 36 नंबर, कुल मिला के 72 नंबर। आतमजीत बाबू आपके श्वेता जी दहले ही 38 नंबर और बड़की माई आपके दहली है 39 नंबर, कुल मिला के 77 नंबर। और अब बारी बाटे अविनाश बाबू के, आपके श्वेता जी दहली है 40 नंबर और बड़की माई दहले ही 38 नंबर, कुल मिला के 78 नंबर। अगर दोनों चरण के नंबर के जोड़ दिहल जाओ तो आतमजीत बाबू के नंबर भइल है 155, कोमल के नंबर भइल है 145 और अविनाश बाबू के नंबर भइल है 157। और ई आज के हमें सुरक्षित योद्धा अविनाश बाबू, आज तू हो गईला सुरक्षित योद्धा और अंतिम चार में तू जगह बना ले हवा। अब बारी बाटे श्वेता जी के जांबाज लोग के, सबसे पहले दीपू बाबू आपके संभावना जी से मिलल है 36 नंबर और बड़की माई आपके दहली है 38 नंबर, कुल मिला के 74 नंबर। गौरी जी आपके संभावना जी दहले ही 38 नंबर और बड़की माई आपके दहली है 39 नंबर, कुल मिला के 77 नंबर। ई रहल पहल का चरण के नंबर, दूसर का चरण में डुएट में आपके दीपू बाबू मिलल है संभावना जी की ओर से 36 नंबर और बड़की माई भी दहली है 36 नंबर, कुल मिला के 72 नंबर। और गौरी जी डुएट राउंड में आपके संभावना जी दहली है 40 नंबर और बड़की माई दे दहली है तोहके 38 नंबर, कुल मिला के 78 नंबर। दोनों योद्धा में दीपू बाबू के नंबर बा 146 और गौरी तोहके मिलल है 155 नंबर पाके, गौरी चैत्री तू आज बन गेलू है सुरक्षित योद्धा। और तोहरा के भी आज अंतिम चार में जगह मिल गई। बाकी बचल हमरा धुरंधर लोग के एक बार फिर से अपन दावेदारी साबित करे के पड़ी और लड़े के पड़ी है संग्राम के। और बड़की माई सिर्फ फैसला करी है कि वह दिन जे पड़ी कमजोर ओकरा के मंच छोड़ के जाए के पड़ी, और जेकर परफॉर्मेंस रही सबसे मजेदार उहे बनी वह दिन मजेदार परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब। अविनाश बाबू और
गौरी चैत्री जो नाच सुरक्षित योद्धा हुआ आप लोग से हम चाहब की बड़की माई से जाके अपन उपहार ले ला लो। अविनाश बाबू और गौरी चैत्री दोनों लोग के मिल गए सुरक्षित योद्धा के उपहार और एक साथ ही दोनों योद्धा हो गए हैं सुरक्षित बड़की माई के आशीर्वाद लेके। और बाकी बचल योद्धा लोग फंस गए भंवर जाल में और एह लोग के अपन दावेदारी एक बार फिर से साबित करे के पड़ी और बतावे के पड़ी कि वो एह मंच पे कायम रहे खातिर के कौन जलवा लेके आई हैं कौन जलवा देख हैं। और हाँ शुक्रवार के रात एह योद्धा लोग के जो भंवर जाल में फंसल बा ओके अपन दावेदारी एक बार फिर से साबित करे के पड़ी और ओह दिन जेकर परफॉर्मेंस रही सबसे मजेदार उहे बनी वह दिन मजेदार परफॉर्मर ऑफ द डे। भंवर जाल में फंसल ये योद्धा लोग के अगले शुक्रवार के अपन दावेदारी फिर से साबित करे के पड़ी और वह दिन एक झलक मिली आप लोग के वाइल्ड कार्ड से आवे वाला प्रतिभागी लोग के रउआ सबे देखल मत भुलाई डांस संग्राम रात 8 बजे।